डेयरी में तो पहुंच गया यार मस्त एकदम, लेकिन टांग में इतना दर्द हुआ है कि खड़ा नहीं रहा जा रहा, बस खड़े होने की दिक्कत है। बाकी तो चेहरे पे ग्लो देखो कितना आ रहा है, लाल लाल सा, सब सूरज की रोशनी से हो रहा है एकदम लाल लाल, पता नहीं कैसे, पर बढ़िया लग रहा है। लेकिन यार टांग में इतना दर्द हुआ है कि खड़ा भी नहीं जा रहा, फिर एक ही टांग टेबल पर खड़ा हो रहा है। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मेरे को ज़रा कुछ काम है। मैंने बताया क्या काम है, कह रहा भाई म्यूज़िक वीडियोस को ज़रा एडिट वेडिट करना है। मैं चल ठीक है हो जाएगा, अब मैं म्यूज़िक वीडियो एडिटर डाउनलोड कर रहा हूँ, देखते हैं अभी डाउनलोड हो जाएगा। आता तो नहीं है पर मैं सीखूँगा और कर दूँगा, इतना तो भरोसा है अपने आप पे। क्यों, हर चीज़ करनी चाहिए, वैसे हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। सब गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल एंड हाउ आर यू, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। एंड आज मुझे लिटरली लेट हो गई है, इतनी देर तक मैं कल तैयार हो चुका था, यार तैयार होने के लिए जा चुका था। पहले तो मैं सुबह उठा 4 बजे, 4 बजे उठ के मेरे को नींद नहीं आई, मैं लग गया मोबाइल में, 2 घंटे मोबाइल में लगा रहा, उसके बाद मेरे को नींद आई, मतलब 4 से 6 में जागा रहा। उसके बाद मैंने सोया 9 बजे तक, 9 बजे के बाद मैं उठा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट अपने काम पे लग गया कंप्यूटर पे। एंड अब मैं मूड होने जाऊँगा और कुछ और भी काम करूँगा, समझ रहे हैं। हाँ तो सुबह उठते हूँ कंप्यूटर पे लग गया था, मतलब तो ऐसा लग रहा है ज़िंदगी कंप्यूटर, काम कंप्यूटर एंड अदर थिंग्स कंप्यूटर ही कंप्यूटर यार। आज तो सच में यार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है, जैसे हम 10:30 हो गए हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही, मतलब 10 बजे का टाइम है, ऊपर से मैंने आधा घंटा और बढ़ा दिया, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। एंड मुझे लग रहा है कुछ भूल गया, मेरा मास्क ही नहीं मिल रहा। मैं भी लेके जा रहा हूँ। क्या गाड़ी आप किधर जा रहे हैं? अंडे लेने। मेरे को छोड़ दो, आयुष मेरे को लेके आ जाएगा। हाँ, पर मेरा मास्क ही नहीं मिल रहा, पिछला वाला मास्क पता नहीं किधर गायब हो गया, ये भी ना जाने किधर गायब हो गया। मास्क की तरह मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मम्मी भैया नमस्कार, मेरे आला मास्क हो गया क्या, मैं ले नहीं रहा। अच्छा यहाँ रखा था मैंने, हाँ अरे मैं यहाँ रख के भूल गया। एक तो मुझे हो रही लेट, आप मास्क की टेस्टिंग कर लो। तेरे पापा का मास्क मैंने अपने धोने के लिए डाल दिया, वो मशीन में वो आला धोने के लिए डाल दिया, ये वाला ऐसा वाला नहीं, ये मास्क क्यों धुलेगा, नहीं धुले वाला नहीं धुलेगा उसका चित्र। सुनो बता, ये देखो ये है वो रोड जो बनी थी, यहाँ से बनी है वो पीले रंग के गेट तक, हाँ उससे थोड़ा सा आगे तक मतलब, पर ये इतनी पूरी रोड बनी है और बढ़िया हो गई, अब तो काफ़ी सही हो गई है। अभी क्या ही कर सकते हैं, बनाने वाला सही बंदा था तो हो गया, मेरे ख्याल से नहीं होता। आज मैं सुबह उठा 9 बजे के करीब, ठीक, खैर मैं उससे पहले भी उठा था 4 बजे। मैं 4 बजे क्यों उठा मैं बताता हूँ, 4 बजे मैं इसलिए उठा क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं कभी इधर पलटी मार रहा कभी उधर पलटी मार रहा, नींद नहीं आ रही थी, ठीक। तो मैं उठा, फिर मैंने क्या करा, मैं यूट्यूब चलाने लग गया, 4 से 6 में जागा रहा, मेरे को तब भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब फ़ोन की बैटरी लो होगी ना मुझे तब मुझे लगा कि यार चल सो जाने चाहिए। 4 से 6 में 2 घंटे जागा रहा, उसके बाद 6 बजे मैं दोबारा सोया, फिर 9 बजे उठा, 9 बजे उठते ही मेरे को मैसेज आया मेरे दोस्त का कि भाई ये काम है ऐसे ऐसे कर दे, तो वो काम था कंप्यूटर का। मैं 9 बजे उठते ही वो वहाँ लग गया, 9 से 10 बज गए, और फिर 10 बजे के बाद फिर मेरे को रियलाइज हो गया यार वहाँ पर भी जाना है इंस्टीट्यूट, तब इसलिए मैं आज लेट गया था इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद दोबारा कंप्यूटर पर लग गया क्योंकि वो काम करना था, ठीक है, मेरे को अपना भी काम करना था, मेरे को उसका भी काम करना था, और दोनों का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। मेरे को नया सॉफ्टवेयर चाहिए, खैर अब तो मिल गया पर उससे चलाना नहीं आ रहा मुझे अभी, क्योंकि वो काफ़ी हाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है,
तो मेरे को भी चलाने नहीं आ रहा, अब तो मेरे को मिल गया वो। और उसके सॉफ्टवेयर का भी हो गया, उसके उसने गाना बनाना था तो हो गया उसका भी। एंड मैं अभी तक लगा हुआ ही था, मैं करीबन 12 बजे वहाँ से आया, 12 बजे से लेकर अभी बज रहे 3, 12 से 3 4 घंटे लगभग, मैं लगभग 4 घंटे वहाँ लगा ही रहा कंप्यूटर के सामने बैठा रहा। पहले उसका काम फिनिश करा, फिर अपना काम करा, फिर दोबारा उसके काम पे गया। मेरा काम तो खैर छोटा मोटा ही था, सॉफ्टवेयर ढूंढना था, फिर उसको डाउनलोड करना था, एंड देन उसे सीखना है। अब चला के देखा था मैंने, थोड़ा बहुत आ गया मेरे को चलाना, बट अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, अभी उसे सीखना है। जब तक मैं उसे नहीं सीखता तब तक मैं अपने पुराने वाले सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करूँगा। लेकिन यार वो सॉफ्टवेयर इतना हाई प्रोफेशनल है ना, उस पर बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, उस पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर सीख गया तो। यही है। और आज का दिन थोड़ा बोरिंग सा है यार, थोड़ा क्या, काफ़ी बोरिंग सा है, क्योंकि है नहीं कुछ करने को, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते। एक तो मैंने यूट्यूब पे ना कैटेगरी भी ऐसी सिलेक्ट कर ली, क्या ही बताऊँ मैं। एक तो मैं ना ज़्यादा घूमता फिरता हूँ, फिर भी ब्लॉगर का काम तो यही है कि यार कि इसे ही अलग अलग जगह दिखानी होती है एंड अदर थिंग्स, क्योंकि आप लोगों को पसंद आता है, सीधी बात है, आप लोगों को पसंद आता है, इसलिए हम ब्लॉगर्स वो करते हैं। एंड मैं उतना घूमता फिरता हूँ, चलो कोई नहीं, घूमता फिरता भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात कहाँ आती है, बात आती है यार कोरोना चल रहा है आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोई भी जगह खुली नहीं है जहाँ पर जा सकें, इधर उधर दिखा सकें। एंड मोटो व्लॉगिंग मैं कर नहीं सकता, जो मैं आपको दिखा दूँ, अपने पूरे गांव का टूर दे दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ, क्योंकि जब चलता हूँ तो ये सेक होता है काफ़ी ज़्यादा, तो नहीं हो पाता। काफ़ी शिकायत आई कि यार काफ़ी ज़्यादा सेक हो रहा है, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते रहेंगे, कभी ना कभी तो परफेक्ट बन ही जाएगा। परफेक्ट ना सही, लेकिन उस लेवल तक तो बन जाएगा कि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाए एटलीस्ट, बस उस लेवल तक पहुँचना है बस।